नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आयुष्मान कार्ड की योजना के बारे में। दोस्तों क्या है, कैसे लाभ ले सकते हैं और जिनका नाम नहीं है वो अपना आयुष्मान कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देर न करते हुए अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों भारत सरकार सभी गरीब परिवारों के लिए बहुत ही योजनाएं चलाती हैं, जिसमें से एक योजना है आयुष्मान कार्ड योजना, जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयुष्मान कार्ड की मदद से आप हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। यदि आपने अभी तक अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्द ही अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिसका नाम आयुष्मान कार्ड लिस्ट में शामिल नहीं है, उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहले समझ लेते हैं आयुष्मान कार्ड की योजना की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों आयुष्मान कार्ड की योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 दिसंबर 2018 को झारखंड की राजधानी कराची शहर से किया गया था। यदि आप आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं और आप एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का खर्चा 60% केंद्र सरकार और 40% का खर्चा राज्य सरकार उठाती है। यदि आपका नाम आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नहीं है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप घर बैठे ही अपना नाम आयुष्मान कार्ड लिस्ट से जोड़कर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। यदि आप आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आयुष्मान कार्ड राशन कार्ड से कैसे बनाएं, इसकी प्रक्रिया को विस्तार रूप से बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आयुष्मान कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.nha.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर की मदद से बेनिफिशियरी लॉगिन कर लेना होगा। इसके बाद में आपको अपना राज्य, स्कीम, नाम और जिला का चयन करके और राशन कार्ड नंबर दर्ज करके अपना नाम लिस्ट में देखना होगा। इसके बाद आपका राशन कार्ड में सभी मेंबर का नाम दिख जाएगा जिसका आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं, उनके नाम के सामने एक्शन बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर के OTP की मदद से वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपका राशन कार्ड के सभी जानकारी दिख जाएंगी। फिर आपको अपना फोटो एक कैप्चर करना होगा। इसके बाद में आपको कुछ अन्य जानकारियाँ भरनी होगी, जैसे कि अपने गाँव का नाम, राज्य, जिला सेलेक्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। दोस्तों तो अब जान लेते हैं कि आयुष्मान कार्ड में नया नाम कैसे जोड़ें। दोस्तों यदि आपका नाम आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में नहीं है और अपना नाम आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में जोड़ना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में अपना नाम कैसे जोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका नाम आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में शामिल है या नहीं है, जो कि आप अपने राशन कार्ड के नंबर से भी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आयुष्मान की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे जाना होगा। इसके बाद में वहां आपको लॉगिन करना होगा, यानी UKYC की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके बाद में आपको ऐड न्यू मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। बाद में आपके सामने एक नया पेज जोड़ने का आवेदन फॉर्म दिख जाएगा, उसमें मांगी गई सभी जानकारियों को सही से दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा और रेफरेंस नंबर को सुरक्षित कर लेना होगा। इस प्रकार से आप आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में अपना नाम जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आयुष्मान कार्ड से संबंधित। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो कॉमेंट कीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।